भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव अग्रवाल निकाय चुनावों में जमकर प्रचार कर रहे थे। आपको बताएं कि डॉक्टर राजीव अग्रवाल का कहना था कि सिर्फ विरोधियों को ही भारतीय जनता पार्टी के मेयर के कार्यकाल में विकास होता नजर नहीं आता। डॉक्टर राजीव अग्रवाल से बात की हमारे संवाददाता सचिन श्री पवन ने। निकाय चुनाव हैं और तमाम पार्टियों के प्रत्याशी विभिन्न विभिन्न पदों के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम अलीगढ़ में हैं। अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव अग्रवाल हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजीव, जिस तरीके से निकाय चुनाव हैं और आप जन समर्थन जुटा रहे हैं, इंडिया वॉइस भी सर्वे कर रहा है, आप भी जन जन से मिल रहे हैं, क्या रुझान आपको इस बार अनुभव हो रहा है? शहर के प्रत्येक वर्ग का जन समर्थन हमारी तरफ बढ़ता चला जा रहा है और आने वाली 26 तारीख को हमारी विजय सुनिश्चित हो चुकी है। प्रदेश में योगी जी, देश में मोदी जी नेतृत्व तो संभाल रहे हैं, इस बार अगर बीजेपी का ही मेयर बनता है तो क्या लगता है आपको, ये जो संयोग बन रहा है अलीगढ़ की जनता के लिए कुछ करिश्मा कर पाएगा? देखिए, जब केंद्र प्रदेश में एक ही दल की सरकार होती है तो उस महानगर का भी विकास बहुत तेजी के साथ होता है। मुझे आशा ही पूर्ण विश्वास है कि अलीगढ़ महानगर को हम स्मार्ट सिटी बनाकर रहेंगे। स्मार्ट सिटी का नाम अभी आपने लिया, स्मार्ट सिटी अलीगढ़ शहर जब बनेगा तो साथ ही साथ जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ जाएंगी। इस बार का जो कार्यकाल है मेयर का निश्चित तौर पर चुनौतियों से भरा हुआ है, क्या आप इन चुनौतियों को संभालने के लिए तैयार मानते हैं अपने आप को पूरी तरह से? चुनौतियों से खेलने में मुझको मजा आता है और मुझे समस्त चुनौतियां स्वीकार हैं। जो भी चुनौतियां हैं उनका मैं भली प्रकार सामना करके इस महानगर को स्मार्ट सिटी में विकसित करूंगा। हम भी जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों की राय जान रहे हैं, ज्यादातर निकल कर यह आया कि जो बीजेपी के मेयर का कार्यकाल रहा है संतोषजनक नहीं रहा, अलीगढ़ की जनता का ये कहना है, क्या कहना है आप? ये सिर्फ विरोधियों की चाल है। अलीगढ़ महानगर का विकास जितना विगत महापौरों के कार्यकाल में हुआ कभी भी नहीं हुआ। जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, केंद्र में रही, प्रदेश में रही या नगर निगम के रूप में महापौर रहे, उन समस्त जगह भारी विकास हुआ है, ये उदाहरण है। जब जब अन्य दलों की सरकारें रही हैं उन दलों की सरकारों ने विकास के नाम पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। ये सिर्फ विरोधियों की चाल है कि महानगर का विकास नहीं हुआ है। अलीगढ़ की जनता को अगर आप मेयर बनते हैं तो क्या सबसे बड़ा तोहफा देंगे? देखिए, अलीगढ़ में जाम की समस्या अभी भी बनी हुई है, क्योंकि शहर में सड़कें सीमित चौड़ाई की हैं। उस जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए भरपूर प्रयत्न करूंगा। उसके लिए बिजली और टेलीफोन के खंभे सड़क के जो बीच में लगे हैं उनको हटाने के लिए प्रयत्न करके इस शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए काम करूंगा। साथ ही जहाँ जहाँ पोखरों की गहराई को बढ़वाकर मैं जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए भी इस महानगर की जनता को मैं इस समस्या से निजात दिलाने के लिए काम करूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी से मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर राजीव अग्रवाल। जब जब हमने जनसंपर्क किया निकलकर एक बात सामने आई कि डॉक्टर राजीव अग्रवाल को जो सबसे बड़ा फायदा मिल रहा है वो ये बढ़ रहा है कि ये शिक्षित उम्मीदवार है इस बार और एक तकनीकी ज्ञान भी इस व्यक्ति के पास है। अलीगढ़ की जनता को वो भली भांति जानता है, ड्रेनेज व्यवस्था कैसे सुधारनी है, पूरा रोड मैप तैयार है और कैसे सड़क खरंजे जो खड़े हुए हैं उन्हें संभालना है, सब कुछ तैयारी इसके पास है। लेकिन जिस तरीके से जो तमाम जनता है उसका रुझान कब क्या होता है ये आने वाला वक्त ही बताता है। और साथ ही साथ एक बात और निकल कर आ रही है कि डॉक्टर राजीव अग्रवाल का ये कहना है कि इस बार प्रदेश में योगी जी हैं, देश में मोदी जी हैं, निश्चित तौर पर ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ये अलीगढ़ की जनता के लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है अगर अलीगढ़ की जनता बीजेपी का मेयर इस बार चुनती है। अपने सहयोगी हिमांशु के साथ सचिन कुमार, इंडिया वॉइस अलीगढ़ से।